हाय इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ पब्लिक पॉलिसी पब्लिक पॉलिसी का स्कोप क्या है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे देखिए मच ऑफ द डिस्कशन ऑन द स्कोप ऑफ पब्लिक पॉलिसी हैज़ ऑलरेडी बीन हाईलाइटेड अंडर द हेडिंग आइडिया ऑफ पब्लिक एंड पॉलिसी हमने जब आइडिया पढ़ा था मतलब पब्लिक और पॉलिसी को ये दो शब्द को हमने जब डिटेल में जाना था इस टॉपिक में तब हमने देखा था कि पब्लिक किस तरह से मतलब पब्लिक का स्कोप क्या है उसके बाद पॉलिसी पॉलिसी किस तरह से बनाई जाती है क्या इम्पोर्टेंस है इसका ठीक है इसको हम डिटेल में समझे थे ये क्यों ज़रूरी होता है ये बनाना ये सब चीज़ें हमने जब ये टॉपिक पढ़ा था तब जाना था उसके बाद जब हमने नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसी ये भी जब पढ़ा था तब हमने इसका स्कोप जाना था इसका इम्पोर्टेंस जाना था कि यह क्यों ज़रूरी होता है कहाँ कहाँ पे जरूरी होता है और किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है पब्लिक पॉलिसी इज एन इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ स्टडी एंड प्रैक्टिस सिंस द इमरजेंस ऑफ पब्लिक पॉलिसी एज अ फील्ड ऑफ इंक्वायरी इट हैज़ एक्सपेंडेड इन थेटिकल स्कोप एंड अप्लीकेशन ठीक है अभी क्या हो गया पब्लिक पॉलिसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू हो गया क्यों अगर हम एक जनरल सेंस में बात किए तो अभी हर कोई जो स्टेट है हर कोई कंट्री जो है ठीक है वो क्या बन रही है वेलफेयर कंट्री बन रही है ओके ठीक है वेलफेयर कंट्री बन रही है तो जब वेलफेयर बन रही है तो उनको क्या है उनको अलग अलग प्रोग्राम लेके आना पड़ेगा वेलफेयर प्रोग्राम लेके आना पड़ेगा जब वेलफेयर प्रोग्राम लेके आएंगे तो उनको क्या बनाना पड़ेगा मेनली पॉलिसीज़ बनाना पड़ेगा सो दैट्स वाई अभी जो रोल है रोल है पब्लिक पॉलिसी का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो इसीलिए इसके ऊपर स्टडी ठीक है ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो यही बोल रहा है इसमें उसका जो इट इट हैज़ एक्सपेंडेड इन थेटिकल स्कोप एंड अप्लीकेशंस ठीक है अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ पब्लिक पॉलिसी कंसिस्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सीनारियो एंड एक्स्ट्रा पोला पोलेशन ऑफ कॉन् कंटेम्प्ररी ट्रेंड्स ओके आज के समय में इसका जो सिनारियो है डेवलपमेंटल सिनारियो के वजह से इसकी जो स्टडी है पब्लिक पॉलिसी की ये काफ़ी बढ़ चुकी इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है द स्कोप एंड शेयर साइज ऑफ पब्लिक सेक्टर हैज़ ग्रोन enormously इन ऑल दी डेवलपिंग कंट्रीज सेम ओके इन रिस्पॉन्स टू द इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी के बढ़ने से काफ़ी मतलब अभी जो डेवलपिंग कंट्री है उनका बहुत ज़्यादा पब्लिक सेक्टर के तरफ काम बढ़ गया है जैसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन के वजह से क्या हो गया डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ बढ़ गई है एट प्रेजेंट द फंक्शन ऑफ प्रैक्टिकली ऑल गवर्नमेंट स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्रीज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली तो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे गवर्नमेंट का रोल बढ़ चुका है तो गवर्नमेंट का रोल बढ़ चुका है गवर्नमेंट अभी बहुत सारे क्या आ रहा है वेलफेयर पॉलिसीज लेके आ रही है जिसके वजह से अभी पब्लिक पॉलिसी के ऊपर स्टडी करना काफ़ी बढ़ चुका है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन चुका है दे आर नाउ कंसर्न विद द मोर कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ नेशनल बिल्डिंग एंड सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस टूडे द गवर्नमेंट इज नॉट मेयरली दीपर ऑफ पीस सिर्फ शांता शांति रखने का ही काम अभी गवर्नमेंट नहीं कर रहा है ना कि सिर्फ आर्बिटर ऑफ द डिस्प्यूट बट प्रोवाइडर ऑफ कॉमन गुड्स एंड डे टू डे सर्विसेज इट हैज़ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बिकम द प्रिंसिपल इनोवेटर अ मेजर डिटरमाइनर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल प्रोग्राम एंड मेन फाइनेंसर एज वेल एज मेन गारेंटर टू अ लार्ज स्केल इंटरप्राइडर तो इस तरह से गवर्नमेंट का रोल बढ़ चुका है इन मेनी डेवलपिंग कंट्रीज देयर इज़ अ ग्रेट प्रेसर ऑन गवर्नमेंट टू असल रेट नैशनल डेवलपमेंट मेक यूज ऑफ अप टू डेट and relevant technological innovations adopt and facilitate necessary institutional changes increase national production make full use of human and other resources and improve the standard of living तो ये सब की वजह से क्या हो गया गवर्नमेंट का रोल बढ़ गया गवर्नमेंट का रोल बढ़ गया तो पब्लिक पॉलिसी में भी काफ़ी चेंजेस आ गया है दिस ट्रेंड एंड डेवलपमेंट हैव देयर फॉर इंडियंस बोथ साइज एंड स्कोप ऑफ द पब्लिक पॉलिसी तो माइकल टेंज डिस्क्राइब द आउटरीच आउटरीच ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन टर्म्स ऑफ द सिटीजन लाइफ साइकिल इन्होंने कैसे बताया देखिए मॉडर्न अर्बन मैन इज बॉर्न इन अ पब्लिकली फाइनेंशियल हॉस्पिटल रिस्यूड हीज एजुकेशन इन अब पब्लिकली सपोर्टेड स्कूल एंड यूनिवर्सिटी spend a good part of his time travelling on publicly built transportation facility communicate through the post office of the quasi public telephone system drink his public drinking drink his public drinking water dispose of his garbage through the public remote system read his library book Pub picnic in his public park protected by public policies फायर्स एंड हेल्थ सिस्टम इवेंचुअली ही डाय अगेन इन हॉस्पिटल एंड मे इवन बी बरीड इन पब्लिक सेमेंट्री यस आइडियोलॉजिकली कंजर्वेटिव नॉट विस्टैंडिंग हिस एवरीबडी लाइफ इज एक्स इन एक्सट्री इनएक्सट्रीकेबली बाउंड अप विथ गवर्नमेंट डिसीजन ऑन दिस एंड नूमेरस अदर पब्लिक सर्विस तो इस तरह से फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द बर्थ ठीक है जैसे बर्थ जैसे बर्थ शुरू हो जाता है तब से लेके टिल दी डेथ एवरी थिंग वट एवर वी यूज़ ठीक है हम जो भी अपने लाइफ में जीते खाते जैसे भी रहते वो सब में पब्लिक पब्लिक सिस्टम का काफ़ी यूज़ बढ़ गया है तो इसके वजह से पब्लिक सिस्टम के बढ़ने से पब्लिक पॉलिसी में भी काफ़ी बदलाव आया है ठीक है तो तो दो पब्लिक पॉलिसी फोकस ऑन दी पब्लिक एंड इट्स प्रॉब्लम इट इज़ दी Study of what Heder Henmer has observed as how, why, and to what effect government pursue particular course of action and inaction. In Die has put it with what government do, why they do it, what difference it makes. quote the line of argument developed here is that all us. ऑल ऑफ अस आर सब्सटेंशियली अफेक्टेड बाय द मायरेट पब्लिक पॉलिसी इन आवर एवरी डे लाइफ तो हमारे हम अपने जीवन में हर तरीके से जो भी पब्लिक पॉलिसी होती है उससे हम अफेक्ट होते हैं ठीक है द रेंज ऑफ पब्लिक पॉलिसी इज वास्ट फ्राम द वाइटल टू द ट्राइवल टूडे पब्लिक पॉलिसी में डील विद सच सब्सटेंटिव एरिया ऑफ डिफेंस इन और environmental protect, protection, medical care and health education, hospital taxation, inflation, science and technology and so on. her jagape, her field may be public policy, ka importance, gaya hai. the expanding sphere of public policy is reflected in the passage of legislative act and measure. for example, environmental regulation impose significant cost on individual and business. रेगुलेटरी पॉलिसी अलाउ दी गवर्नमेंट टू एक्सल्ट कंट्रोल ओवर दी कॉन्डक्ट ऑफ सर्टन एक्टिविटीज गर्मेंट स्पेंडिंग इज अ कॉमन इंडिकेटर ऑफ गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ तो इस तरह से धीरे धीरे गवर्नमेंट का जो रोल है वो बढ़ चुका है अलग अलग फील्ड में अभी गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाना पड़ रहा है ठीक है तो अभी हम ऐट लास्ट कंक्लूजन पर आ चुके हैं इस चैप्टर के तो कंक्लूजन देखते हैं अभी टू कंक्लूड इट मे बी नोटेड दैट फील्ड ऑफ पब्लिक पॉलिसी हैज एज्यूम कंसिडरेबल इंपॉर्टेंट इन रिस्पॉन्स टू द इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सोसाइटी ठीक है तो सोसाइटी के बढ़ने से सोसाइटी जिस तरह से कॉम्प्लेक्स हो रही है जिस तरह से इसमें काफी बदलाव आ रहा है उसी तरह से जो पब्लिक पॉलिसी है ये भी इसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ चुका है इट इज़ नॉट ओनली कंस्यू विद द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द गवर्नमेंट एक्टिविटी बट आल्सो डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अबाउट द फोर्स शेपिंग पब्लिक पॉलिसी सिर्फ किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना ही पब्लिक पॉलिसी नहीं है अभी आज के समय में उस उस डेवलपमेंट को एक साइंटिफिक तरीके से उसको बनाना थ्रू द थ्रू द पॉलिसी ओके दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट नाउडे द स्टडी ऑफ पब्लिक पॉलिसी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द सोशल इल ऑफ ऑफ दिस सब्जेक्ट अंडर स्टडी पब्लिक पॉलिसी इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर मूविंग सोशल सिस्टम फ्रॉम पास टू फ्यूचर तो इसी लिए जो पब्लिक पॉलिसी है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेकेनिज्म बन गया सोशल सिस्टम में क्योंकि इसी से हमारा फ्यूचर निर्धारित होता है इसी से जो भी हमें फ्यूचर में आगे डेवलपमेंट करना है फ्यूचर को जिस तरह से बनाना है वो सभी डिटरमाइन होता है थ्रू दी पब्लिक पॉलिसीज़। इन दी करंट फेज ऑफ लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन द रोल ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ चेंज तो जैसे लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आया है उसके आने से इनके आने से जो रोल है गवर्नमेंट का वो चेंज हो चुका है इट्स एबिलिटी लाई इन मेकिंग पॉलिसीज एंड एग्जीक्यूटिंग देम ठीक है अभी अभी ये पॉलिसी बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुका है पब्लिक पॉलिसी इन्वॉल्व इम्प्रूविंग एंड डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल कैपेसिटीज ऑफ पीपल एंड नॉट सिम्पली द इपिशेंसी और इफिशेंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस फॉर लेसवेल पब्लिक पॉलिसी एज पब्लिक एजुकेशन इज इसशियल इफ डेमोक्रेसी इज नॉट टू फॉल प्रे टू द इंटरेस्ट एंड मैनिपुलेशन ऑफ पावरफुल इलिट ओके द मेजर एम ऑफ पॉलिसी मेकिंग ही हीज सजेस्टेड इज द फॉर्मेशन ऑफ वैल्यू विच कूड शेप द फुल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड इन द सोसाइटी तो पब्लिक पॉलिसी का जो मेजर रोल है that is policy making not only for the individual and this is also for the society and both this individual and the society will be developed fully okay that will be the goal of the public policy the goal of the policy analysis should be facilitate the policy making process which is informed by enlightenment and emancipation and which can keep alive the प्लिज्म ऑफ अथॉरिटी एंड कंट्रोल दैट प्रिवेंट दब्सोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पावर ठीक है तो इस तरह से जो पब्लिक पॉलिसी है ये यूज होती है उसका इम्पोर्टेंस है देन पार्सोन्स हैज़ ऑब्ज़र्व इट इज़ द क्लैरिफिकेशन शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ वैल्यूज सो हैज टू एक्सटेंड एंड इन डेमोक्रेटिजेशन which still remain the core and vital task of the theory and practice of public policy policies do more than effect change in societal condition they also hold people together and maintain an ordinary state ultimately it is by public policy that citizen centric societal goal could be achieved okay through the public policy दिस यूनिट हैज़ एलुसीटेड द मीनिंग नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन डिटेल तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या जाना इसमें हमने जाना किस तरह से पब्लिक पॉलिसी का इम्पोर्टेंस है उसके बाद पब्लिक एंड पॉलिसी दो टर्म को समझा हमने इसके बाद हमने डिटेल में इसके मीनिंग स्कोप और नेचर तो पब्लिक पॉलिसी का जो स्कोप है वो कहा है मेनली अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है ठीक है कैसे बढ़ चुका है इसका अलग अलग डायमेंशन में बढ़ चुका है जैसे हेल्थ हो गया एजुकेशन हो गया फाइनेंस हो गया ठीक है अलग अलग फील्ड में इसका जो रोल है वो चेंज हो चुका है तो इस तरह से पब्लिक पॉलिसी इंपॉर्टेंट हो चुकी है बिकॉज ऑफ दी गवर्नमेंटल गवर्नमेंटल डिसीजंस अभी गवर्नमेंट के डिसीजन काफ़ी बढ़ चुके हैं बिकॉज गवर्नमेंट बिकमिंग द वेलफेयर स्टेट अब वेलफेयर स्टेट है एंड गवर्नमेंट इज़ दी एंड दी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैव लॉट ऑफ गवर्नमेंट वेलफेयर टास्क ओके टू डू इट तो इस तरह से गोवर्मेंट का रोल चेंज होने से गोवरमेंट का काम बढ़ने से पब्लिक पॉलिसी में काफ़ी बदलाव देखने को मिला है हमें ओके okay? और दूसरी चीज़ हमने ये जाना कि किस तरह से पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर अलग होता है जिसमें हमने मेनली पब्लिक सेक्टर के बारे में जाना कि पब्लिक सेक्टर को किस तरह से हम अलग कर सकते टू फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर सो दिस आर मेजर की डिफरेंसेस ठीक है तो ये था चैप्टर नंबर वन दैट इज मीनिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक पॉलिसी ठीक है नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर टू ओके सो So that's all for this video. Thank you. Bye bye.